चलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? और अभी हम लोग जा रहे हैं शादी में, तो बस हम रेडी हो गए हैं। साथ में जा रहे हैं लवली बाजी, हेबा, फैजान, हम सभी लोग जा रहे हैं। और बताऊंगी आप लोगों को कि सबने क्या क्या पहना है, तो चलो चलते हैं। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं शादी में वो भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को। हम लोग जा रहे हैं, पापा के एक फ्रेंड हैं, मतलब हमारे चाचा लगते हैं, तो उनके जो है सुबह से दो तीन बार फ़ोन आ चुके हैं मम्मी के पास कि भाई आ जाओ, कब तक आओगी, क्योंकि वो शादी जो है ना जौरा से कर रहे हैं, तो जौरा ही हम लोग जा रहे हैं। वैसे रहते वो लोग कैलारस में हैं, तो लेकिन शादी वो अपनी भतीजे की जो है लेकिन वो शादी अपने भतीजे की जो है जौरा से कर रहे हैं, तो हम लोग जौरा तक जा रहे हैं। और मम्मी नहीं जा रही है क्योंकि मम्मी के पैर का ऑपरेशन हुआ था, तो उसकी वजह से वो चल फिर नहीं पा रही हैं, तो बस हम दोनों ही जा रहे हैं, मैं और लवली बाजी, पापा और ये और फैजान। ठीक है, तो चलो शादी में चलते हैं पहले, फिर वहाँ पहुँच कर आप लोगों से बात करते हैं। ठीक, और मैंने यही वाला गाउन पहना है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। सो गाइस, हम लोग निकल गए हैं फाइनली जौरा जाने के लिए। तो हम लोग वैसे जाने वाले थे रात 8 बजे ही, लेकिन निकलते निकलते जो है 9:15 का टाइम हो गया था, लेट हो गए थे। फिर पापा बोलने लगे कि जौरा तो ज़्यादा दूर नहीं है, 20-25 मिनट का रास्ता है, तो हम पहुंच ही जाएंगे शादी के टाइम तक। और यहाँ पर देखो गाइस, कितनी ज़्यादा बस भरी हुई है, तो ऊपर भी लोग बाग बैठे हुए हैं। मुझे तो ये डर लग रहा था कहीं एक ना एक गिर ना पड़े, क्योंकि ना कहीं ब्रेक ब्रेक लगाते हैं या कुछ भी है, तो एकदम से झटका खा करके वो लोग गिर भी सकते हैं। तो यहाँ ऊपर वो लोग बैठ करके जा रहे थे। जिलेखा मिश्र वाटिका एम लॉज चलो उतर। तो गाइज, इस वाटिका के जो है दो गेट थे, तो हम लोग को पता था कि आगे भी एक और गेट है, तो हम लोग जो है ना ये पीछे वाले गेट से आ गए, सेकंड वाले गेट से। और यहाँ पर जैसे हम लोग ने एंटर किया ना, वैसे यहाँ पे ब्राइड और ग्रूम बैठे हुए थे। तो यहाँ पर शायद मांग भरने की कोई रस्म चल रही थी, तो इस वक्त में वहाँ यहाँ पे जो है ना मांग भरी जा रही थी उनकी। तो बस जैसे हम लोगों ने एंटर किया ना, वैसे ही हमें दूल्हा दुल्हन देखे, तो बस मैंने फटाफट से शूट कर लिया। तो इन्हीं की शादी है, तो जो मेरे पापा के दोस्त हैं, ये यहाँ पर हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं ना, यही है मेरे पापा के दोस्त। तो जो है वो सभी से मिल रहे हैं और बोल रहे हैं कि चलो बेटा अच्छा लगा, हम लोग आ गए। और बस वो अपनी वाइफ से मिलवा रहे हैं, अपने सिस्टर्स वगैरह से मिलवा रहे थे कि चलो तुम्हें बहन जी से मिलवाता हूँ। तो बस यहाँ पे अभी उन्हीं को खोज रहे थे और बातें बातें भी कर रहे थे कि मम्मी क्यों नहीं आई, सबको आना चाहिए था। तो ऐसा था, इनके बड़े भाई की बेटी की शादी है, तो लेकिन हम लोग का मतलब ज़्यादा इनसे है व्यवहार वगैरह, तो इसलिए फिर हम लोग आ गए। और इन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा मतलब बोला था, तो इसलिए आना ही पड़ा। जब इतनी मोहब्बत से कोई बुलाता है ना, तो फिर कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है। तो बस इसलिए फिर हम लोग भी आ गए। और यहाँ पर अभी हम लोग बातें बातें करने के बाद में वो जो है बोलने लगे थे कि खाना वाना खा लो, उसके बाद जो है घूम लेना, डांस वांस कर लो अच्छे से। तो डांस वांस कहाँ ही हम लोग को आता है, हमें तो आता ही नहीं है डांस वांस, तो हमें तो डांस करना आता ही नहीं है। तो हम लोग जैसे स्टेज के पास पहुँचे, तो यहाँ पर मतलब डांस वांस चल ही रहा था, और एक बहुत ही क्यूट सी बेबी जो है डांस कर रही थी। तो हेवा को भी हम लोगों ने जो है ना खड़ा किया यहाँ पर, लेकिन हेवा भी मतलब वही है ना कि अभी चल नहीं पाती है, तो गोद में ही मटक रही थी। ये देखो यहाँ पर इनका डांस स्टार्ट है हेवा का। तो यहाँ पे चाचा जो है फिर से आ गए हैं खाने के लिए, बोलने के लिए कि पहले खाना खा लो।
और पता है गाइस, जब हम लोग पहुँचे ना वहाँ पे तो बारात पहले ही आ चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मतलब बारात बाद में आएगी, लेकिन बारात तो पहले ही आ गई थी और सारी रस्में मतलब चल रही थी इनकी। तो बस वही सारी चीज़ें हो रही थी और यहाँ पर हिवा को देखो, बस गोदी में ही डांस की जा रही है। और ये बहुत ही क्यूट सी बेबी लग रही थी मुझे, इसकी ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे ये लवली बाजी खड़ी हुई है तो इनका ड्रेस दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, अच्छी लग रही थी लवली बाजी इस वाली ड्रेस में। और यहाँ पर ये मैंने दिखाया आप लोगों को स्टेज, जो कि अभी कोई भी नहीं बैठा हुआ है क्योंकि अभी वो सारी रस्में चल रही हैं। और फिर उसके बाद जो है फेरे वगैरह होंगे, तो यहाँ पे मैं अपने तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दुल्हन का फ़ोटो दिखा रही हूँ जो कि उनकी सगाई का होगा। और यहाँ पे ये हैं हमारे दूल्हे मियाँ। तो बस उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए। तो बस यहाँ पे ये सारा खाना जो है लग रहा है, बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने खाना दिया था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब कि ऐसे कुर्सी पर बैठ कर के खाना खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब बफे से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पता है यहाँ पे इस खाने में सबसे ज़्यादा स्पेशल क्या था गाइस, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कि किसी शादी में जो है टिंडे की सब्ज़ी बनेगी। तो सच्ची में गाइस मुझे यकीन ही नहीं हुआ था। पहले तो मैं सोचती थी किसी और चीज़ की सब्ज़ी है, लेकिन जब पता चला ना ये तो टिंडे हैं। वैसे घर में कोई खाता नहीं, लेकिन उस टाइम पे ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। हमने बहुत अच्छे से खाई और बस खाना सारा ही बहुत ज़्यादा टेस्टी था। बस उसके बाद हम लोग यहाँ आए, तो यहाँ पे सबसे जो है मिलना जुलना चल रहा है। जो हमारे मतलब जो चाचा हैं जिनके यहाँ पे हम लोग आए थे, वो अपनी बहन वगैरह से मिलवा रहे थे हमें। वैसे तो हम लोग बहुत पहले मिले हुए थे, मतलब जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी सी थी उस टाइम पर हम लोग मिले हुए थे। तो अब जाके अब मिल रहे हैं, तो वो बोल रही थी घर पे आना कभी, क्योंकि उनकी शादी जो है ना सबलगढ़ में हुई है। तो हम लोगों को बुला रही थी वो कि घर पे आना और मम्मी को ज़रूर ले करके आना। तो मैंने भी बोल दिया कि हाँ भाई। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल आए थे क्योंकि वो तो हमें को बहुत ज़्यादा रोक रहे थे, लेकिन हम लोग रुके नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता। फिर मैं जो है हुरन को भी छोड़ करके गई हुई थी। तो बस उसके बाद यहाँ पर हम बीच रास्ते में गाड़ी मतलब को वो रोक पी रहा है करके कैन यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। वो पी रहा है ये तो कैन क्योंकि ऐसा खाने के बाद ऐसा लगता है कुछ पी रहा ठंडा है ठंडा सा कैन। खा लो, क्योंकि उस टाइम तक तो जो है शॉप बंद भी हो गई थी, पूरा मार्केट ही बंद हो गया था। लेकिन एक आध जो है मिल ही जाते हैं रास्ते में कहीं ना कहीं। तो फिर वहाँ से हमने ये कोल्ड ड्रिंक लिया, उसके बाद पी कर फिर हम लोग निकले थे। डांस कर आई तुम, डीजे पे डांस किया था क्या? डीजे पे डांस किया था, मच्छर घुस गया कितने सारे। पानी जाए लेके कैसे करा था शुरू, वही तो आधी आधी शुरू हो जाती है जैसी गाना बजता है। मैं हाय कर लो, हाय हेलो हेलो कर लो, हेलो करो, हाय ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, हाय टाटा कर लो, टाटा टाटा कर लो, टाटा कर लो, टाटा हाय। अभी हम जा रहे हैं घर पे, शादी हमने अटेंड कर ली है और सिर्फ 20 मिनट का रास्ता और बाकी है हमारे मुरैना के लिए। 20 मिनट के अंदर हम लोग पहुंच जाएंगे अपने घर, और घर पहुंच कर फिर आप लोगों से मिलेंगे। आ गए हम मुरैना, ये मुरैना का पुल। बढ़िया कर दिया ने क्या सो गाइस, फाइनली अपने घर पहुंच गए हैं और अभी बज रहे हैं रात के 11:30। तो मैंने तो चेंज कर लिया है, लवली वाली बोल रही है मेरे रील्स बना दे पहले, उसके बाद मैं भी चेंज करने जा रही हूँ और फैजान ने भी चेंज कर ही लिए हैं।
सो गाइस वहाँ से हमें मिले हैं गिफ्ट, तो वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हमें क्या मिला है, ठीक है। ओ वाह, तो इसमें निकली है मिठाइयाँ, ये है नमकीन, मठरी, और ये चार तरह की मिठाइयाँ, बालूशाही, लड्डू, ये अक्षत कलाकंद है, और ये खोए का कुछ है, नहीं गुलकंद नहीं है ये। तो ये एक मिठाई है, तो हमें ये बॉक्स मिले हैं, तो हमें जो है तीन बॉक्स मिले हैं, एक हमारा, एक लवली बाजी का और एक पापा का, तो हमें तीन बॉक्स मिले हैं। तो ठीक है, तो ये हमें मिले हैं, खा लो मिठाई। खाली कैसी लगी? अच्छी लगी। हाँ चलो बढ़िया, जैकी भाई भी चेंज करके आ गए हैं, और गाइस हम चाहे जहाँ जाएं लेकिन इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो गाइस मैं बात कर रही थी, हम लोग चाहे जहाँ जाएं लेकिन इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि कोई हमें छोड़ के गया है, हमारे मम्मी पापा कहाँ हैं, तो इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये आराम से अपनी मस्ती में मस्त रहती हैं। जैसे ही हम लोग आए हैं ना, वैसे ही बस टाटा करने के लिए गेट पर खड़ी हो गई थी, और उसके बाद मैं ही ज़बरदस्ती इसको अंदर लेकर के आई हूँ, वरना ये तो आने को नाम ही नहीं ले रही थी। तो इनको अभी ऐसे ही खेलने देते हैं, मेरे कपड़े यहाँ पे डले हुए हैं जो कि अभी मैंने ऐसे ही डाल रखे हैं, बस चेंज करके मैं तो ऐसे ही बैठ गई, अभी तक मैंने अपना मेकअप रिमूव नहीं किया है। अब लवली बाजी के पहले रील्स बना देती हूँ, फिर उसके बाद मेकअप रिमूव करूँगी। तो गाइस अभी चेंज वेंज कर लिया है, और बस अभी फ़िलहाल मैं बैठी थी तो मैंने सोचा चलो वीडियो का एंड तो किया ही नहीं है, वीडियो का एंड भी कर लेते हैं, आप लोग थोड़ी सी बातें भी कर लेते हैं। तो बस कपड़े वपड़े अभी फोल्ड करके रखे हुए हैं, और गाइस आज मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा उदास हैं, वो किस लिए ये खुद ही बताएंगे, क्योंकि आज इनकी हो गई मोनू भाई से बात और बहुत सारी बातें निकल आई, ऐसे ऐसे ही है, ऐसे ही है, हो जाता है, क्या करें। मोनू भाई से बात चल रही थी, फिर पापा मम्मी की बातें निकल ही जाती हैं, देखो बात चलती है तो मोनू भाई की बातें इमोशनल कर देती हैं, यादें पुरानी, गर्मियों की छुट्टियों में आते थे, ऐसा करते थे वैसा करते थे, कहीं कुछ कर रहे हैं कहीं कुछ कर रहे हैं, ऊपर छत पे बारबेक्यू भी कर रहे हैं, कितनी चीजें करते थे, नहीं करते थे, हाँ करते थे, तो सीमा वाजी मुन भाई बहुत मस्ती करते थे, लगता है यादें आती हैं, बहुत सी चीजें जो छूट चुकी हैं, हर चीज ला तो नहीं सकते, वो तो कह रहे हैं, तो बस यही है, बस मोनू भाई ने पापा मम्मी की बातें करी तो थोड़ा सा मुझे याद आ गई, ज़्यादा क्या कर रहे हैं, तो बस और कोई बात नहीं है। क्योंकि जब भी दो पर्सन बात करने बैठते हैं ना तो बहुत सारी बातें निकलती हैं, और फिर भाई माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, बहुत याद आती है उनकी, मैं क्या ही बोलूँ सच में, जिसके नहीं है ना उनको कदर है, और जिसके हैं उनको कोई कदर नहीं है, इसलिए भाई आप लोग अपने माँ बाप की देखभाल करें, उनको प्यार दें, उनको समझें, बस तो यही कहना चाहूँगी। तो बस चलो फिर मैं इस ब्लॉग का एंड भी यहीं कर देती हूँ, मिलूँगी फिर से एक नए ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, बहुत सारी दुआएँ देना मुझे और मेरी फैमिली को भी, और दुआ में ज़रूर से याद रखना, आज नींद बहुत तेज़ आ रही है, बहुत तेज़ वाली नींद आ रही है, पता नहीं आज सारे दिन ही थक गए हैं तो नींद आने लगी है, तो चलो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।